हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर के इस वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा इस टॉपिक पर पांचवा वीडियो है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की प्लेलिस्ट दी है, उसे आप चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल है, सूची एक को सूची दो से मिलाकर सही उत्तर का चयन करें। सूची एक में साहिबा का युद्ध, सुमेल का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध और गागरों का युद्ध दिया हुआ है, और सूची दो में वो वर्ष दिए हैं जिनमें ये युद्ध लड़े गए थे। तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन चार नंबर, यानी साहिबा का युद्ध 1541-42 में लड़ा गया था, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था, सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था और गागरों का युद्ध 1519 में लड़ा गया था। अगला सवाल है, निम्न में से राजपुताना के किस क्षेत्र पर बरिक वंश का शासन था? आपके ऑप्शन है गंगानगर, बी बदनौर, सी बयाना, दी वागड़। तो इसका सही आंसर है सी बयाना। अगला सवाल है, निम्न में से कौन महाराणा कुंभा का दरबारी नहीं था? आपके ऑप्शन है ए मुनि जिन विजयसूरी, बी टिल्ला भट्ट, सी नापा, डी मुनि सुंदरसूरी। तो इसका सही आंसर है ए मुनि जिन विजयसूरी। अगला सवाल है, किस राजपूत शासक के दरबार में गंधर्व बायसी नाम का एक समूह था? आपके ऑप्शन है ए स्वाई ईश्वरी सिंह, बी स्वाई प्रताप सिंह, सी स्वाई माधो सिंह, डी मिर्जा राजा जय सिंह। तो इसका सही आंसर है बी स्वाई प्रताप सिंह। अगला सवाल है, निम्न में से किस शहर में कछवा शासक स्वाई जय सिंह ने वेदशाला का निर्माण नहीं करवाया था? आपके ऑप्शन है जयपुर, बी इंदौर, सी उज्जैन, डी मथुरा। तो इसका सही आंसर है बी इंदौर। स्वाई जय सिंह ने 5 जगह पर वेदशाला का निर्माण करवाया था, सबसे पहले दिल्ली में, इसके अलावा आगरा, मथुरा, उज्जैन और जयपुर में निर्माण करवाया। जयपुर में सबसे बड़ी वेदशाला का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल द्वारा शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है ए जब्ती, बी जरीब, सी कनकट, डी बंटाई। तो इसका सही आंसर है ए जब्ती, यानी आई ने दहशाला। अगला सवाल है, जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? आपके ऑप्शन है ए स्वई प्रताप सिंह, बी स्वई माधो सिंह द्वितीय, सी स्वई जय सिंह, डी स्वई राम सिंह। तो इसका सही आंसर है ए स्वई प्रताप सिंह। अगला सवाल है, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? आपके ऑप्शन है ए भगवान विष्णु, बी जैन तीर्थकर आदिनाथ, सी महाराणा सांगा, डी राणा हमीर। तो इसका सही आंसर है बी जैन तीर्थकर आदिनाथ। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? आपके ऑप्शन है ए चक्रमौली मिसर, बी चंद्रबरदाई, सी चक्रपाणी मिसर, डी चंद्रधर। तो इसका सही आंसर है सी चक्रपाणी मिसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शासक गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए महेंद्रपाल प्रथम, बी देवपाल, सी भर्तृभट्ट द्वितीय, डी वत्सराज। तो इसका सही आंसर है सी भर्तृभट्ट द्वितीय। भर्तृभट्ट द्वितीय चौहान वंश से संबंधित था। अगला सवाल है, चित्तौड़ के विजय स्तंभ के संदर्भ में कौन से कथन सही है? नंबर एक, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। नंबर दो, इसमें कुल 10 मंजिलें हैं। नंबर तीन, इस पर जेता की भी मूर्ति उत्कीर्ण की गई है। तो इस सवाल में डी ऑप्शन सही है, यानी इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया और इस पर जेता की भी मूर्ति उत्कीर्ण की गई है। इसमें कुल 10 मंजिलें नहीं है, बल्कि इसमें कुल 9 मंजिलें हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक किस पद के लिए प्रयोग किया जाता था? आपके ऑप्शन है ए भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी के लिए, बी राजकीय ज्योतिषाचार्य के लिए, सी मुख्य न्यायिक अधिकारी के लिए, डी मुख्य सेना अधिकारी के लिए। तो इसका सही आंसर है बी राजकीय ज्योतिषाचार्य के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित युद्धों को सही क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन करें। नंबर एक गिरी सुमिल का युद्ध, नंबर दो बयाना का युद्ध, नंबर तीन बटनेर का युद्ध, नंबर चार हल्दीघाटी का युद्ध। तो इस सवाल में बी ऑप्शन सही है, यानी सबसे पहले बटनेर का युद्ध, उसके बाद बयाना का युद्ध, उसके बाद गिरी सुमिल का युद्ध और इसके बाद हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से नहीं लड़ा था? आपके ऑप्शन है बीदा झाला, बी माधो सिंह कछवा, सी रावत कृष्णदास चुंडावत, डी राम सिंह तंवर। तो इसका सही आंसर है बी माधो सिंह कछवा। अगला सवाल है,
मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? आपके ऑप्शन है प्रधान, बी महामाते, सी सिकदार, डी दीवान। तो इसका सही आंसर है ए प्रधान। अगला सवाल है, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? आपके ऑप्शन है हल्दीघाटी का युद्ध, बी गोगुंदा का युद्ध, सी दिवेर का युद्ध, डी चित्तौड़गढ़ का युद्ध। तो इसका सही आंसर है सी दिवेर का युद्ध। अगला सवाल है, 1734 में महाराणा जगत सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुड्डा सम्मेलन का आयोजन किसका सामना करने के लिए किया गया था? आपके ऑप्शन है ए अफगानों का, बी मराठों का, सी मुगलों का, डी ईरानियों का। तो इसका सही आंसर है बी मराठों का। अगला सवाल है, निम्न चौहान शासकों को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर सही उत्तर का चयन करें। नंबर एक विग्रहराज चतुर्थ, नंबर दो अजयराज, नंबर तीन अर्णोराज, नंबर चार पृथ्वीराज प्रथम। तो इस सवाल में सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी समय के अनुसार पृथ्वीराज प्रथम सबसे पहले, उसके बाद में अजयराज, उसके बाद अर्णोराज और उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ ने शासन संभाला था। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।